यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई वर्षों से गोरखपुर में सांसद रहे हैं। तब उस दौरान उन्होंने गोरखपुर से भ्रष्टाचार मिटाने के कई दावे किए थे, लेकिन इन दिनों एक ऐसी खबर गोरखपुर से आ रही है जिससे खुद सीएम योगी व गोरखपुर जिला प्रशासन हिल चुका है। दरअसल भ्रष्टाचार की शिकायत एक पीड़ित महिला द्वारा रिश्वत देना 13 लोगों को भारी पड़ गया। महिला से रिश्वत के रूप में इन 13 लोगों को रकम नहीं बल्कि एड्स जैसी भयंकर बीमारी मिली है। ये 13 लोग कोई आम आदमी नहीं है, इनमें से कोई ग्राम प्रधान है, कोई रोजगार सेवक तो कोई खाद्य विभाग का कर्मचारी। सूत्रों के अनुसार इन लोगों ने पीड़ित महिला से राशन कार्ड बनवाने और विधवा पेंशन दिलवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। रिश्वत भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि इन लोगों ने महिला को अपने साथ सोने के लिए कहा। महिला के पास भी शायद इन लोगों की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बात 6 साल पहले शुरू हुई थी। करीब 6 साल पहले गोरखपुर के बचहट गांव में 24 वर्षीय पीड़ित महिला दुल्हन बनकर आई थी। उसका पति मुंबई में किसी कारखाने में मजदूर था। शादी के 3 साल बाद ही उसकी मौत हो गई। वो अक्सर बीमार रहता था। आशंका है कि उसे भी एड्स था। संदेह है कि पीड़ित महिला को शायद अपने पति से ये बीमारी लगी होगी। पीड़िता को कोई संतान नहीं है। पीड़िता ने सोचा कि राशन कार्ड तथा विधवा पेंशन से उसकी जिंदगी कुछ हद तक आसान हो जाएगी, जिसके लिए उसने गांव के ही एक रोजगार सेवक से मदद मांगी। रोजगार सेवक उसे प्रधान के पास ले गया। प्रधान ने ग्राम सचिव से महिला की मुलाकात करवा दी। इतना ही नहीं, इन तीनों के बीच अन्य और 9 लोग बिचौलिए बने जिन्होंने रिश्वत के नाम पर महिला का यौन शोषण किया। ये सब करीब 3 साल तक चलता रहा। ये 13 लोग उससे रिश्वत के नाम पर उसका शोषण करते रहे। फिर करीब 3 महीने पहले वो औरत बीमार हो गई। उसने ग्राम प्रधान को बताया। प्रधान ने किसी नीम हकीम से उसका इलाज करवा दिया। जब कोई इलाज नहीं हुआ तो डॉक्टर ने उसके खून की जांच करवाई। जब रिपोर्ट आई तो प्रधान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तब उसे पता चला कि महिला को एड्स था। अब तो जिन्होंने रिश्वत के नाम पर उससे संबंध बनाए थे सभी लोगों के चेहरे भी काले पड़ गए। बीआरडी कॉलेज में दोबारा महिला की जांच हुई। वहां भी जांच का नतीजा वही आया। फिर इन सब रिश्वत लेने वालों ने एक एक करके अपनी भी जांच करवाई और उन सबको भी एड्स था। इन 13 लोगों के HIV पॉजिटिव पाए गए। महिला को अगर एड्स नहीं होता तो यह कभी नहीं पता चल पाता कि सरकारी मदद के नाम पर किस तरह महिला के साथ शोषण किया गया। कोई कभी नहीं जान पाता कि एक अकेली औरत को राशन कार्ड और विधवा पेंशन जैसी जरूरी सरकारी मदद पाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हर महीने मिलने वाले कुछ किलो इनाज के लिए 13 लोगों के साथ उसे सोना पड़ता था। इस मामले से ये भी समझा जा सकता है कि सरकारी अमला भ्रष्टाचार में कितनी हद तक डूबा हुआ है। अब पूरे जिले में यह खबर आग की तरह फैल चुकी है। गाँव के लोगों का कहना है कि इन 13 लोगों को उनकी करनी का फल मिल चुका है। मामला यहीं खत्म नहीं होता, असल में यह मामला और भी खतरनाक बन गया है। उसका कारण है कि जिन 13 लोगों को एड्स हुआ है उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ भी संबंध बनाए होंगे। ऐसे में इनकी पत्नियों को भी इस बीमारी का खतरा है। इंटरनेट डेस्क इंडिया अब तक समाचार। आने वाली 4 फरवरी को लेवा समाज भोरगांव पंचायत पडलसा का 4था राष्ट्रव्यापी महाअधिवेशन होने वाला है, जिसकी तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है। जलगांव के यावल तालुका के पडलसा गांव में होने वाले इस महाअधिवेशन में लाखों समाज बंधुओं की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से चल रहे इन तैयारियों के बारे में जानकारी दी है लेवा समाज भोरगांव पंचायत पडलसा के कुटुम्ब नायक, आयोजकों और कार्यकर्ताओं ने। भोरगाव लेवा पाटीदार पंचायतीचं महाअधिवेशन 1984 साली झालेलं होतं। त्यावेळेला काही मुलींच्या समस्या होत्या। मुलींच्या लग्नामध्ये काही घेण्यादेण्यावर मुली पडलेल्या होत्या। त्यामुळे आम्ही एक मोठं अधिवेशन घेतलं होतं। त्यावेळेला 80-90 हजार मंडळी हजर होती समाजाची। त्यामध्ये 50% लेडीज होत्या, 50% जेंट्स होते। आता आजची परिस्थिती गंभीर झाली आहे की मुलांना बायको भेटत नाही, म्हणून मी 2018 हे अधिवेशन डिक्लेअर केलेलं आहे। हे माझ्या समाजाची जी मंडळी आहे, ज्येष्ठ मंडळी एकनाथ भाऊ खडसे आणि जे ज्येष्ठ मंडळी आणखी त्याच्याबरोबर श्रीदादा चौधरी, शरद महाजन, आणखी मामा भोळे जे या भागाचे खासदार, आपला आमदार हरिभाऊ जावळे यांच्या सर्वांच्या सहकार्यानं मी सर्व टिकले। तर समाजातील जे आणखी ज्येष्ठ मंडळी आहे त्यांना पाचारण करून एक मोठी महासभा घेतली आणि त्यामध्ये सभेमध्ये असं डिक्लेअर केलं की बा समाजाची अशी अशी प्रवृत्ती झालेली आहे, नोकरीनी तर छोकरीनी, म्हणून आपल्याला काहीतरी मार्ग शोधावा लागेल। म्हणून आम्ही
एक मोठं अधिवेशन घ्यावं असं चर्चा केली आणि आज 4 फेब्रुवारी 2018 हे अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनाला माझ्या अंदाजाने कमीत कमी 60 ते 70 हजाराच्या कमी लोक हजर राहणार आणि त्याच्यापेक्षा जास्ती हजर राहू शकेल असा अंदाज आहे. कारण आम्ही बहुतेक नाशिक बॉम्बे पुणे आणि सर्व ठिकाणी या एरियातले जेवढे समाजाचे गाव आहेत त्यांच्या सर्व मंडळीशी भेटी घेऊन त्यांना निवेदन दिलेलं आहे की बा समाजाची अशी महासभेत आपण यावं आणि त्या प्रकारे प्रत्यक्ष सहयोग त्यांनी देण्याचा कबूल केलेला आहे. त्या प्रकारे आमची सभा होणार आहे. या समाजाच्या मीटिंगमध्ये काही ठराविक विषय घेतले जाणार आहे की समाजामध्ये ज्या काही रूढी परंपरा आणि वाईट रूढी ज्या आहे त्या वाईट रूढींना आळा घालण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहे. आम्ही प्रयत्न करत आहे आणि त्या प्रकारे आम्ही जसे की म्हणजे डीजे वाजवणे त्यामध्ये नाचकम करणे मोठे मोठे आणखी बँड लावणे या अतिखर्चित बाबी आम्ही बंद करणार आहे. जेवणावळी सुद्धा कमीत कमी करावी. अतिरिक्त की ज्या फजिता पडेल अशी जेवणावळी करू नये या बाबतीत आम्हाला समाजानं होकारी दिलेला आहे. परंतु प्रत्यक्ष आम्ही या मीटिंगमध्ये आम्ही करणार आहे या बाबतीत. समाजामध्ये आणखी हुंड्याची पद्धत कमी झालेली आहे. सोनं साधारणतः 30,500-700 गेलेलं आहे त्यामुळे सोन्याची बाब कमी झालेली आहे. फक्त राहिली बाब या नवीन चालीरीती ज्या काही नवीन चालू झालेल्या आहे त्या बंद करायच्या आहे. ज्या काही अतिरिक्त खर्च त्यापासून होतो माझं असं म्हणणं आहे की बा ह्या चालीरीती का बंद कराव्या. मोठा साखरपुडा 700-800 लोकांचा तो बंद करायचा आहे. त्यामध्ये मुलाची आई 5-25 बाया घेऊन जाते त्यांना साड्या घ्याव्या लागतात हे बंद करायचं आहे. यानंतर होणारा आणखी अतिरिक्त खर्च कसा काढता येईल याचे आमचे प्रयत्न राहणार आहे. या अधिवेशनला एक नवीन आम्ही प्रस्ताव मांडलेला आहे आणि त्या प्रकारे जे समाजात नवघरे कंडारकर साखरकर आणि थोरगोणे मंडळी यांना सुद्धा आम्ही सर्वांना पूर्णपणे सामील केलेलं आहे. या अगोदरही 1984 साली 1956 साली सामील केलेलं आहे. पण जे काही आणखी थोड्या बाबी राहिलेल्या होत्या त्यासुद्धा या अधिवेशनमध्ये पूर्ण होणार आहे. आणि हे सर्व माझेच भाऊबंद असल्यामुळे आम्ही सर्वांना एकत्र करत आहे हे मी आज डिक्लेअर करत आहे. समाजात आणखी जे काही नोकरीच्या निमित्तानं मुलं गावोगाव फिरतात किंवा गोटे राखतात या मुलांना व्यसनाधीन होतात हे व्यसनाधीन होऊ नये म्हणून आम्ही त्या मुलांना काहीतरी व्यवसाय मिळावा या उद्देशानं आम्ही प्रयत्न करणार आहे. आणि कोणत्या प्रकारे व्यवसाय करायचा किंवा कुठे नोकरीला धंद्याला लावायचं या प्रकारे आमचे प्रयत्न राहणार आहे. संबंधित आमच्या समाजाचे जे जे मोठे मोठे कारखानदार आहे त्यांना विनंती करणार आहे की बाबा आमचं काहीतरी 10%, 15%, 20% काहीतरी जागा द्या आणि या पोरांना नोकरी लावा. कारण नोकरीने तर छोकरीने अशी समाजाची प्रवृत्ती झाली आहे म्हणून नोकरीसुद्धा त्या लोकांना लावायचा प्रयत्न करणार आहे. आज शेतीनिष्ठ जे शेतकरी शेतमजूर किंवा जे काही असले कमी पावसामध्ये कसं पीक घेता येईल याकरता कृषी तज्ज्ञांना बोलवून त्यांचे मेळावे घेणार आहे. एक मेळावा यावल तालुक्यासाठी बेटी महाजन इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये त्यांच्या हॉलमध्ये एक मेळावा भुसावळला कोणत्या तरी चांगला हॉल पाहून जळगावचा मेळावा जळगावला आणि मलकापूर विभागाचा मलकापूरला या प्रकारे आम्ही शेतकऱ्यासाठी एक व्यवस्था करणार आहे. कारण तसं पाहिलं तर साधारणतः 20% समाजात शेतकरी 20% निव्वळ शेतकरी आहे की ते नोकरीला जाऊ शकणार नाही या परिस्थितीकरता आम्हाला प्रयत्न करायचे. आम्हाला पंचायतीचे 4थे महाअधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन इथे होत आहे. त्याची तयारी ही आता आपण इथं आपण बघत असाल तर इथं सर्वीकडे ती तयारी सुरू आहे. मी सर्वांना या आयोजन कमिटीचा अध्यक्ष नात्याखाली माननीय कुटुंबनायक रमेश दादा विठू पाटील संजय जिराणे आणि आमचे मार्गदर्शक
भाई एकनाथरावजी खडसे साहेब, डॉक्टर विलास पाटील, शिरीष दादा, हरिभाऊ जावळे, राजूमामा, इतर सर्व सहकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्णपणे या अधिवेशनाची तयारी सुरू आहे आणि चांगल्या प्रकारे अधिवेशन व्हावं यासाठी आमचे सर्व सहकारी ज्या ज्या परीने जबाबदाऱ्या पूर्णपणे सांभाळत आहेत या मोठ्या अधिवेशनासाठी बोलण्याची व्यवस्था सुद्धा या मतदारसंघाच्या खासदार रक्षाताई खडसे यांनी बोलण्याची जबाबदारी उचललेली आहे आणि या बाबतीतलं सर्व नियोजन बाकीच्या सर्वांचा सहभागासोबत हे नियोजन चालू आहे. या बाबतीत म्हटलं तर नक्कीच खूप मोठ्या प्रमाणावरती 15 एकर मध्ये हा मंडप परिसर टाकलेला आहे. जवळजवळ 30 एकरची पार्किंग आणि बाकीचं बाहेरचं रोड अशा पार्किंगसाठी व्यवस्था केलेली आहे. या बाबतीतलं नियोजन आमचे सर्व युवक मंडळी, आमचे सर्व सहकारी ललित भाऊ पाटील या युवक मंडळाचे अध्यक्ष आणि बोरगावल्या पंचायतीचे उपाध्यक्ष असं सर्व मिळून हे आम्ही नियोजन करतोय. आमचं एकच आव्हान आहे आपल्या लेवा समाजाला की आपण हे राष्ट्रीय अधिवेशन जवळजवळ 33 वर्षानंतर पाडळसा ठाया पाडळसा तालुका यावल येथे होत आहे, या अधिवेशनाला आपण जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थिती द्यावी जेणेकरून समाजामध्ये ज्या अनिष्ट रूढी परंपरा असतील याच्यावरती विचार विनिमय करायचा आहे, त्या माध्यमातून समाजापर्यंत प्रबोधन आणि समाजाने कोणत्या दिशेने जावं याचं चर्चासत्र इथे होणार आहे. याच माध्यमातून नक्कीच कुटुंबनायक हे आमचे 52 वर्षापासून कुटुंबनायकाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यांनी कठीण परिस्थितीमध्ये समाजाची बाजू सांभाळलेली आहे. मोटरसायकलवरती जाऊन असेल किंवा सगळ्या भागांमध्ये पर्यंत जाऊन असेल अशा प्रकारे समाजाचं काम त्यांनी केलेलं आहे. म्हणून मोठ्या प्रमाणात त्यांचा मोठा सत्कार 52 वर्ष अध्यक्षाला 51 वर्ष कम्प्लीट झाल्यामुळे त्यांचा मोठा सत्कारही आम्ही समाजातर्फे करतो आहे. नक्कीच पुनश्च आवाहन करतो की आपण या दोघं कार्यक्रमांना आपण जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थिती द्यावी एवढंच बोलून थांबतो. धन्यवाद. या अधिवेशनमध्ये आपल्याला शासकीय मदत घेतली आहे का? शासकीय मदत कर्मचारी वगैरे शासकीय मदत याच्यामध्ये नाही. हे सेवा समाजाचं अधिवेशन असल्या कारणाने याच्यात शासकीय योजनेचं आम्ही मदत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे जे करतो आहे आमच्या सर्व सहकारी लेवा समाजातील बांधव असतील किंवा इतर ज्यांनी सहकार्य केलं असेल त्यांच्या याच्यावरती आम्ही अधिवेशन घेतो आहे. ट्रॅफिक कंट्रोल कसं करणार आहे? ट्रॅफिक कंट्रोल आम्ही काही आमचे नियुक्त केलेले आहेत. कमिट्या वेगवेगळ्या केलेल्या आहेत. पाण्याची कमिटी वेगळी आहे, भोजनाची वेगळी, स्वयंसेवकांची वेगळी आहे, मंडप व्यवस्था वेगळी आहे, ट्रॉफिकची कमिटी वेगळी आहे. या बाबतीतलं नियोजन आमचं आहे. परंतु नक्कीच आम्ही असं म्हणू की नागरिक म्हणून आणि समाज म्हणून जळगाव शहरात जळगाव जिल्ह्यात जी काही मदत शासनाने शासनाच्या परीने करावी की दिशा देण्याच्या दृष्टीने किंवा शांतता राखण्याच्या दृष्टीने काही पर्याय कारण काही घडू नये म्हणून त्या माध्यमातून त्यांनी मदत केली तर आम्ही स्वागतच करू. या बोरगावल्या पंचायतीला 250 वर्षाची परंपरा आहे आणि 250 वर्षाच्या परंपरेपासून ही बोरगाव पंचायत आस्थागत चालत आलेली आहे. खानदेश गॅझेट ज्यावेळी 1900 शतकात झालं त्या खानदेश गॅझेटमध्ये सुद्धा बोरगाव पंचायतची उल्लेख केलेला आहे. या समयाची अशी एक पंचायत उत्कृष्टरित्या कार्य करते. या पंचायतीने परंपरा असल्यामुळे 250 वर्षाची या पंचायतीने दिलेले कोणतेही निर्णय जे आहेत विवाहासंबंधीचे ते न्यायालयामध्ये मान्य झालेले आहेत कारण ही पंचायतची जुनी परंपरा न्यायालयात सिद्ध झालेली आहे. अशा प्रकारे एकमेव पंचायत आहे की ज्याच्यामध्ये कुठलेही वाद नव्हता. वैवाहिक वाद असतील इतर वाद सामोपचाराने मिटवले जातात. पंचायतीचं उद्दिष्ट असं आमचं आहे की कुठलेही जात पंचायत इतर जात पंचायतीसारखं आमची पंचायतीचं कामकाज नाही. आमच्या 84 मध्ये आमची पहिला जो तिसरा अधिवेशन झालं त्यावेळी घटना तयार केली होती. आम्ही त्या घटनेनुसार पंचायतीचं काम चालू आहे आणि त्या घटनेमध्ये सुद्धा असा उल्लेख होता की समाजातील इतर व्यक्तींनी समाजातील व्यक्तींनी मुलामुलींना इतर समाजात जरी विवाह केले असतील तरी ते लेवा समाजात समजले जातील. तर ते बंधन आमच्या याच पंचायतीमध्ये आम्ही कुठलंही ठेवलेलं नाही आणि तसं कोणावरती आम्ही बंधन घातलेलं नाही. म्हणून या पंचायतीचं काम सुरळीतपणे चालू आहे. आमचे एक कुटुंब नायक जे आदरणीय रमेश दादा 52 वर्षापासून स्वखर्चाने गावोगावी महाराष्ट्रभर फिरून पंचायतीची आपली सेवा देत आहे आणि वैवाहिक समस्यांचं निराकरण करत आहे. महत्वाचं म्हणजे या पंचायती म्हणजे जी पंचमंडळी काम करत आहे ही सेवा भावी वृत्तीने करते आहे. कोणतेही मानधन घेत नाही. स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून ते आपले सेवा भावी वृत्तीने कामकाज करत आहे. अशा पद्धतीची गौरवशाली परंपरा आमच्या पंचायतीची आहे आणि म्हणून 33 वर्षानंतर हे अधिवेशन आता फार मोठ्या प्रमाणात घेण्याचं नियोजन कुटुंब नायकांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही घेतलं.
इन सभी को आशा है कि यहाँ होने वाले लेवा पंचायत के अधिवेशन में लाखों लोग आएंगे और समाज के लिए कुछ पॉजिटिव संदेश मिलेगा, शायद कई समस्याओं का समाधान हो जाए। जलगांव के यावल से आनंद शर्मा के साथ प्रमोद पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। पीसीआरए तेल एवं गैस संरक्षण पखवाड़ा के तहत बुधवार को इंडियन ऑयल के एलपीजी वितरकों के स्टाफ द्वारा हरदोई में साइकिल रैली निकाली गई। हरदोई के एरिया मैनेजर स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साह देखते ही बनता था, जिसमें सभी ओर से सराहना प्राप्त हो रही थी। सामूहिक रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में राकेश अग्रवाल, अमित कुमार, सीपी सिंह, मोहित कुमार, अंकित सिंह और प्रवीण वर्मा आदि लगभग सभी वितरक मौजूद रहे। इस दौरान एरिया मैनेजर स्वर्ण सिंह ने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को सफाई, गैस और तेल संरक्षण का संदेश भी दिया, ताकि ग्राहक जागरूक बन सके। संरक्षण क्षमता महोत्सव ये 16 जनवरी से आरंभ हुआ और 15 फरवरी तक चलेगा। इसके अंतर्गत हम जो गैस और तेल का जो संरक्षण कैसे किया जाए, इसके साथ साथ ही सुरक्षित इसका प्रयोग कैसे किया जाए, इस संबंध में इस महीने के दौरान हम ग्राहकों को बुलाकर तरह तरह की उनके साथ प्रतियोगिता करना, विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता करना और साइकिल रैली के माध्यम से और जो ड्रिलिंग मैन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो लिमिटेड सोर्सेज अब रह गए हैं तेल के, इनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आशा है कि इस तरह के अच्छे प्रयास कंपनी द्वारा किए जाते ही रहेंगे, ताकि ग्राहकों का विश्वास और ज्यादा बढ़ सके। हरदोई से लवि खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। भारत को साफ सफाई और खुले में शौच मुक्त बनाने में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अहम भूमिका निभा रही हैं और भारत को खुले में शौच मुक्त और साफ सुथरा बनाना चाहती हैं, मगर कुछ ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मिलकर सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि संभल से कुछ तस्वीरें आई हैं जो आपको बता रही हैं कि अभी भी कुछ लोग सरकार के मिशन को पलीता लगा रहे हैं। संभल के गाँव में जब सर्वे किया गया तो देखा गया कि गाँव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, न तो गाँव में कोई सड़क है और ना ही गांव के लोगों के घर में शौचालय बना हुआ है। लोग आज भी शौचालय के लिए जंगल में जाने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, वहां के ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए हैं कि ग्राम प्रधान ने गांव में ना तो किसी सड़क का निर्माण किया है, ना ही उन्हें कोई शौचालय की सुविधा दी गई है, बल्कि ग्राम प्रधान ने सिर्फ अपने घर के सामने की सड़क बनवा ली है, जिसे वो विकास की बातें कहते हैं। ग्राम प्रधान पर गाँव वालों ने आरोप लगाया है कि 20 से 30 हजार रुपए में जो आवास दिया जाता है उसके पैसे भी नहीं दिए जाते और ना ही आवास दिया जाता है। अच्छा, ये आवासों पर ग्राम प्रधान कितने पैसे ले रहे हैं, कुछ बताया गया? 20 ले लेता है और 10 ले लेता है, जैसे मौको मुर्गी पड़ जाए, अंडा कड़क है जाए। अच्छा, आपका आवास आया नहीं आया? ना, हमारा तो है ही ना भैया। अच्छा, आपका आवास क्यों नहीं दिया प्रधान जी ने? हम प्रधान जी द्वारा गए, ना बोले भाई ना आए वो ना, तुम नेता आदमी हो, नेता करती में देखो, तुम धक्कर देखो नेता आदमी को। प्रधान जी ने कोई पैसे वैसे बात तो नहीं करी थी आपसे? ना, मुझे कौन से गाँव से? क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है साहब, चैत में बनी लेटर ने कहा उनका पैसा आ जाएगा, अभी तक आया नहीं, और 6000 रुपए पहले ले लिए, बनवा दी क्या अपने पैसे से बना लो। 6000 आपसे ले लिए? आपसे, हमसे लिए। मेरा तो सुषमा देवी नाम है। अच्छा, आपको आवाज मिला है क्या? ना। आवाज क्यों नहीं मिला प्रधान जी से? आपने कुछ शिकायत वगैरह की थी क्या? तुम्हारे पक्के बनना है तो तुम्हें का जरूरी है? अच्छा, फिर आवाज फिर जाके तो ऊपर से का पैसा दो तब बनेगा। पैसे मांगते हैं? हाँ, कितने? जब पैसा हमारे पास ना है तो हम कल से देंगे पैसा। हो ना, कितने पैसे मांग रहे हैं फिलहाल? जो मिल जाओ ना वो तो सही, वो तो बात तो 14,000 दे दो, 20,000 दे दो। अच्छा, आवाज किन लोगों को मिल रहा है आपके गाँव में? पैसा वाले लोगों जिनके पैसा पास है, वे दे रहे 20,000 बनवा रहे हैं। अच्छा, आवास एक के अलावा किसी के पास डबल कोई आवास है किसी के बने हुए? डबल बहुत है। क्या क्या आवास मिले हैं? दो दो, एक एक को दो दो आवास मिले हैं। और का जाएगा जावित्री? कौन से गांव से हो? हो गया तो आपको आवास फवास मिला है कुछ? नहीं, अभी नहीं मिला है। क्यों, आपने प्रधान जी से कोई शिकायत करी थी? हाँ, कही है मैंने। मैंने हमारी कॉलोनी हमारी दे, हम साथ लेके आए, हम पर काल से बुझ लिया। फिर क्या कह दिया प्रधान जी ने? ना कही अब जालेटी में तो है ना, अगेला का उलटे आवे तो मर जाए। अच्छा, मकान आपका कैसा है? देखो मकान, देखो मेरी अखी सखी कच्ची दौड़ है घुसकर। मकान आपका कैसा है? कच्चू है, दो कोठे बन गए हैं हमारे, जरूर हमने अपनी कमाई से पहले बना ला ही तो। अच्छा,
सीमा आप मतलब रहन सहन करती हो कच्चे मकान में, फिर भी आपको आवास नहीं मिला है? आवास नहीं मिला। संभल के गांव रुस्तमगढ़ उगिया की समस्या को जाना तो लोगों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए हैं कि ग्राम प्रधान उनके साथ पक्षपात करता है। ग्राम प्रधान अपने घर के पास की सड़क तो बनवाता है परंतु गांव में किसी सड़क का नाम नहीं है। लोगों का कहना है कि उनको सड़कों पर आते जाते बहुत परेशानियां होती है। बरसात के दिनों में पूरे गांव में पानी भर जाता है, लोगों को गंदे पानी में आवाजाही करनी पड़ती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो गंदे पानी में उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। ग्रामवासी जब भी अपनी परेशानियों को लेकर ग्राम प्रधान के पास जाते हैं तो ग्राम प्रधान उनको टाल देता है और ज्यादा कहने पर ग्राम प्रधान कहता है कि अपने पैसों से सड़क बनवा लो या साफ सफाई करवा लो, मेरे पास ऊपर से कोई पैसा नहीं आया है। जब इस बारे में मीडिया ने परियोजना अधिकारी हरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि सभी ग्राम प्रधानों और सचिवों को निर्देश दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी आवास इस माह के अंत तक पूरे हो जाने चाहिए और यदि इस माह के अंत तक यह पूरा नहीं होता है तो प्रधान और सचिव के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया तक न्यूज के लिए। लगातार हो रही महंगाई की वजह से जनता परेशान हो रही है और इसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। अभी हाल ही में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जिसको मुद्दा बनाकर देश भर में कांग्रेस सरकार का निषेध कर रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में भी ग्रामीण और शहरी कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार का विरोध दर्शाया गया। शहर और ग्रामीण कांग्रेस ने मोर्चा निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और अपना विरोध जताते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिसमें सरकार से बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की है। जवर जवर 19 वेळा गॅसचे भाव वाढवलेले आहेत आणि आज ते गॅसचे भाव गगनाला भिडणारे सर्वसामान्याला लूट करण्याचं काम हे भाजप सरकार करत आहे। आज आम्ही यांचा निषेध करण्यासाठी पाडी बैलगाडीचा हा रॅलीचा आम्ही मोर्चा कलेक्टरपर्यंत नेत आहेत आणि या सरकारचा निषेध करून आम्ही प्रशासन कलेक्टरपर्यंत हा निषेध आहे। गांव के लोग भी बढ़ी महंगाई से उतने ही परेशान हैं और इस वजह से बैलगाड़ी गैस की टंकी के साथ निषेध जताने के लिए मोर्चा निकाला और सरकार का विरोध दर्शाया। खूप घोषणाबाजी केली, आव्हानं दिले आणि महागाई कमी करू असं आपणाला हे दिलेलं होतं, आश्वासन दिलेलं होतं, पण आपण बघितलं असेल पेट्रोल डिझेलचे भाव इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये 50 रुपये बॅरल मिळत असताना सुद्धा 2-3 वर्षापासून त्यांनी आपल्या जनतेला डायरेक्ट असा फायदा काही करून दिला नाही। देखना है की काँग्रेस के इस तरह के मोर्चे से सरकार को बढ़ी कीमतें वापस लाने के लिए कितना मजबूर किया जा सकता है। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। कन्नौज के तिरवा में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मोरंग से भरे 54 ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्यवाही की। मामला तिरवा तहसील का है जब सुबह तिरवा के उपजिलाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने तहसील जाते वक्त तिरवा कन्नौज रोड पर ओवरलोड मोरंग से ट्रकों को फर्राटे भरते देखा। जानकारी करने पर पता चला कि तिरवा की मोरंग मंडी में सबसे बड़ी संख्या में ओवरलोड गाड़ियां मौजूद रहती हैं। जैसे ही उपजिलाधिकारी वहां पहुंचे और ट्रक के कागजात को चेक करना शुरू किया, ऐसे में कई ड्राइवर अपनी गाड़ियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। उपजिलाधिकारी ने तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स, ARTO और खनन अधिकारी को बुलाकर कार्रवाई करते हुए 54 ओवरलोड ट्रकों को पुलिस के सपोर्ट कर दिया। अभी आज सुबह तहसील आने के लिए मैं आ रहा था, तब तक दो गाड़ियां ओवरलोड होकर चली गई, मोरंग जिले में भरा हुआ था, उनका मैं पीछा किया। पीछा करते हुए मैं यहाँ पर मोरंग मंडी है इंद्रगढ़ किला, यहाँ पर 50-55 गाड़ियां मोरंग नदी इसमें ओवरलोड दी थी, वो सब खड़ी थी। तुरंत मैं सबको अपने कब्जे में लिया, इंस्पेक्टर को बुलाया, RTO को बुलाया, खनन अधिकारी भी आ रहा है। जितनी गाड़ियां ओवरलोड है यहाँ अवैध खनन कर रहे हैं, किसी को बक्सा नहीं जाएगा। उपजिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अवैध खनन की सख्ती है और अब ऐसी कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी। नियम को तोड़ने वालों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।